नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। चाचोड़ा में आयोजित किया गया कार्यकर्ता सम्मेलन। चुनाव के नजदीक आते ही कार्यकर्ताओं को मोहने के लिए भाजपा सरकार जगह जगह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इसी तारतम्य में आज कृषि प्रांगण में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा की विधायक ममता मीणा ने कांग्रेस को जमकर कोसा, साथ ही भाजपा की दी हुई विकास की नीति के बारे में जमकर बखान किया। इस मौके पर विभिन्न कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्य अतिथि थे माननीय श्री प्रकाश शर्मा एवं श्री बंसीलाल जी मंगल, वे भी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में आने वाले हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वह मंच पर आए। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदिवासी छात्रावास और हमारे दीनागंज में जो लड़कियों का बैठने के लिए बहुत ज्यादा समस्याएं आती थी, हमारे कन्या महाविद्यालय का दीनागंज में जो अपने झेल निकलते थे, हाथ पे सीधे हाथ पे पड़ता है कन्याओं के लिए महाविद्यालय और कुमराज के लिए, क्योंकि कुमराज में सबसे बड़ी मांग थी कॉलेज की, और कुमराज की सबसे बड़ी कॉलेज की मांग को अगर पूरा किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। कुमराज में कॉलेज भी स्थापित हो गया और कॉलेज का पैसा भी आ गया, अब जल्दी कॉलेज का भूमि पूजन माननीय हमारे मंत्री जी के द्वारा टास्क सेकेंडरी जो हमारे चाचोड़ा के लिए इतनी शानदार भवन जो अपन जब तहसील के सामने जो कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल है और वुमन थाना हायर सेकेंडरी स्कूल है, ये इतने सुंदर मॉडल बनेंगे, एक उसके लिए एक एक दो दो करोड़ की राशि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चाचोड़ा विधानसभा के लिए दी है। दीनागंज में चाकू की नोक पर नाबालिग का अपहरण। नाबालिग के पिता की माने तो 31 तारीख को वे अपनी नाबालिग बच्ची का एडमिशन कराने के लिए स्कूल गया था, जहां फीस के पैसे लेने के लिए वह घर में ऊपर गया था, बच्ची उसकी दुकान में बैठी हुई थी। तभी उसी के मोहल्ले के दो युवक उसकी बेटी को चाकू की नोक पर उठाकर ले गए, जिसकी शिकायत उसने बीनागंज थाने में दर्ज करा दी है। वहीं नाबालिग के पिता का कहना है कि उसकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि उसने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं अपनी बेटी को ढूंढने की गुहार पुलिस अधीक्षक से लगाई। मेरी लड़की पढ़ने जा रही थी, मैं भर्ती कराने जा रहा था उसको, मैं चला गया सीट लेने के लिए ऊपर, और नीचे दो लड़के आए और उसको उठा के नहीं चट्टू बता के जो भी, और उसको लेगा जब तक मैं नीचे आया जब तक वो चली जा चुकी थी। मैं अपने आप बेहोश हो गया, चार घंटे मुझे होश आया था, इसके बाद पता नहीं ये लड़का था मोहल्ले का ही था। अच्छा, तो आप तो बीनागंज में गए थे? बीनागंज लेके भी बीनागंज में गए थे बच्चे, घर से ही बाहर से घर से ले गए। अच्छा, इकतीस तारीख की तो आपका सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं, वही बीनागंज में कोई कहता ही नहीं कुछ। म्याना शाडोरा मार्ग की खस्ता हालत के चलते पलटी बुलेरो। कल शाम को नईसराय से 7 किलोमीटर दूर बरखेड़ा के पास बुलेरो पलट गई, जो कि अशोकनगर की बताई जा रही है। बता दें कि इस रोड का कार्य विगत एक साल से चल रहा है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। वहीं इस रोड की खस्ता हालत के चलते कई बार यहाँ पर एक्सीडेंट होते देखे गए हैं। म्याना से हमारे सहयोगी सत्यन तिवारी की रिपोर्ट। राधोगढ़ नगर पालिका विजयपुर में वार्ड क्रमांक 15 डोंगर के पार्षद पद हेतु उपचुनाव का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कराया गया। कांग्रेस के पार्षद ओम प्रकाश मीणा के निधन होने के चलते यह उपचुनाव कराए गए। इस उपचुनाव में 3 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, जिसमें कांग्रेस से
ओम श्री बाई, भाजपा से रमेश धाकड़ एवं निर्दलीय अशोक मीना। तीन मतदान केंद्रों पर मतदान ईवीएम मशीनों के माध्यम से कराया गया। बता दें कि इस वार्ड में 1909 मतदाता हैं। मतदान सुबह 7 बजे से प्रारंभ हुआ जो कि शाम 5 बजे तक चला गया। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था पुलिस द्वारा की गई। गौरतलब है कि इस वार्ड के पार्षद एवं नगरपालिका उपाध्यक्ष ओम प्रकाश मीना की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई थी। कांग्रेस ने उनकी पत्नी ओम श्री बाई को प्रत्याशी के रूप में उतारा। वहीं भाजपा प्रत्याशी रमेश धाकड़ एवं निर्दलीय प्रत्याशी अशोक मीना भी मैदान में थे। इधर रावगढ़ जनपद क्षेत्र के 3 पंचायतों में सरपंच पद के मतदान भी जारी रहे। टोरी, पंचगोड़िया, खेरखेड़ा पंचायत में भी आज मतदान कराए गए। यहाँ पर 8 मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीन के माध्यम से ग्रामीणों ने मतदान किया। सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण रहा। रावगढ़ से हमारे सहयोगी तेज सिंह यादव की रिपोर्ट। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिवचरण गर्ग को आज राष्ट्रीय सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। इस अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या के शहर के जागरूक एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। शहर के गणमान्य नागरिकों ने श्री गर्ग को अंतिम अश्रुपूर्ण विदाई दी। उल्लेखनीय है कि अपनी अंतिम सांसें उन्होंने एक नर्सिंग होम में ली। वे 98 वर्ष के थे एवं अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। बता दें कि श्री गर्ग ने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपनी भूमिका निभाई थी। आप
बाबू शिवचरण जी गर्ग अमर रहे, बाबू शिवचरण जी गर्ग अमर रहे, बाबू शिवचरण जी गर्ग अमर रहे, बाबू शिवचरण जी गर्ग अमर रहे। खाद्य सुरक्षा को लेकर आज एक ट्रेनिंग का आयोजन रेडक्रॉस भवन में किया गया। इस ट्रेनिंग के माध्यम से खाद्यान्न के उत्पादकों को बुलाया गया था, जहां इन्हें ट्रेनिंग मुहैया कराई गई। फूड सेफ्टी एंड सुपरवाइजर एक्ट 2006 के अनुसार खाद्यान्न में क्या मापदंड होने चाहिए, इसके बारे में विस्तृत ब्यौरा उत्पादकों को दिया गया। इस विशेष ट्रेनिंग में केवल उत्पादन करने वाले उत्पादक ही मौजूद रहे। जो कि FFSAI फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ट्रेनिंग पार्टनर है। एज पर FFSAI का एक्ट 2006 के तहत जितने भी FBO फूड ऑपरेटिंग बिजनेस वाले हैं, उन सभी के लिए FFSAI ने कंपलसरी की है 31 दिसंबर 2018 के पहले जितने भी FBOs हैं उसमें कम से कम एक ट्रेंड सुपरवाइजर होना चाहिए। ट्रेंड सुपरवाइजर से मतलब ये है कि FFSAI उनको ट्रेनिंग देगी कि किस प्रकार से एक सुरक्षित खाद्यान्न उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग जो ट्रेनिंग कंडक्ट हो रही है, ये एक्ट के अंतर्गत आती है, जो कि FFSAI अभी इसको पूरा ऑल ओवर इंडिया में ट्रेनिंग कंडक्ट करा रही है। अभी तो ये जिला स्तर पे FFSAI करा रही है, फिर इसके बाद सपोज दैट कि कोई छूट जाते हैं तो हो सकता है उनको दिल्ली में जाकर के अभी किन किन लोगों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? जी अभी मेनली जो मैन्युफैक्चर है उनका सेशन स्पेशली रखा गया है, जो खाद्यान्न से मैन्युफैक्चर कैटेगरी में जो आते हैं। उद्यानी विभाग के सामने दो वाहन आपस में टकरा गए और दोनों ही घायल हो गए। जब तक डायल 100 वहां पहुंची तब तक दोनों बाइक सवार किसी निजी अस्पताल में चले गए थे, जिसकी सूचना वहां पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को नहीं थी। हालांकि दोनों बाइक सवार अपनी मोटरसाइकिलें वहीं छोड़कर चले गए थे, चूंकि उनकी हालत इस लायक नहीं थी कि उन्हें चलाकर ले जाया जाए। कलेक्टर एवं एसपी बंगले के पास चौराहे पर लगेगी लाल बत्ती, जिसकी तैयारियां आज इस रोड को खोद कर की गई। समस्या पड़े है कि इस रोड पर जहां कोई हैवी ट्रैफिक नहीं है वहां पर इन सिग्नल को लगाने की क्या आवश्यकता है, जहां बहुत ही कम वाहनों की आवाजाही है, क्योंकि यह मार्ग पूरी तरह से VIP है।
यहाँ पर सिग्नल लगाने का कोई औचित्य भी नहीं है। बता दें कि हनुमान चौराहे पर लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल का भी लोग सही से पालन नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर ड्यूटी पर कोई सूबेदार भी मौजूद नहीं रहता है, केवल एक ही सूबेदार मोनिका जैन वहां पर उपस्थित दिखाई देती हैं। इनके अलावा वहां कोई भी अपनी आमद दर्ज नहीं कराता है। अब देखने लायक होगा कि ये नए सिग्नल लगाकर शहर ट्रैफिक क्या शहर की यातायात व्यवस्था को संभाल पाएगा या नहीं। विगत दिनों हुए मोबाइल शॉप की चोरी के आरोपियों को आज पुलिस ने बड़ी ही सूझबूझ से पकड़ लिया। शिवपुरी निवास इन दोनों चोरों को सिटी पुलिस ने शिवपुरी से ही पकड़ा। पहले भी इन आरोपियों पर चोरी के आरोप हैं। साथ ही ये लोग बस पर कंडक्टर का भी काम करते हैं। बता दें कि हार्ट रोड पर स्थित प्रियंका मोबाइल शॉप पर विगत दिनों चोरी की गई थी, जो कि दीवार को खोदकर की थी, जिसमें करीब 2 लाख रुपए के मोबाइल चोरी हुए थे। इस चोरी का खुलासा करने में साइबर सेल प्रभारी की भी अहम भूमिका रही। ₹7.18 को हार्ट रोड पर प्रियंका मोबाइल पर चोरी हुई थी, जिसमें पीछे से चैन लगाकर चोरों ने मोबाइल चोरी किए थे। करीब 2 लाख रुपए के मोबाइल उनके द्वारा चोरी किए गए थे। और एक चुनौतीपूर्ण बात थी कि एक चैन लगाकर उन्होंने पहली बार चोरी होना बता रहे थे, तो उस पर कार्रवाई करते हुए हमारे साइबर सेल के अधिकारी और फील्ड में काम करने वाले अधिकारी और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल महोदय और CSP महोदय सभी के निर्देशन में हमारे द्वारा कार्रवाई की गई और 2 चोर दीपेश लोधी और ब्रजेश कलेरा, जो ग्राम सजाई थाना रणनौर जिला शिवपुरी के निवासी हैं, उनको गिरफ्तार कर सभी मोबाइल जो चोरी गए थे, जिनकी कीमत करीबन 2 लाख रुपए के लगभग है, बरामद की है। ये ग्राम सजाई के रहने वाले हैं, रणनौर के, वहीं से गिरफ्तार की गई। ये पहले वहाँ रणनौर के चोरियों के अपराध में भी रहे शिवपुरी में, और यहाँ पर जो है क्लीनरी के काम करने आते थे बस पे, उसके द्वारा उन्होंने यहाँ पर मोबाइल ठीक कराने आए थे इस दुकान पर, तभी उनके द्वारा चोरी का प्लान बनाया गया था और इन चोरों को गिरफ्तार किया, न्यायालय में इनके जेल भी गए। जैन समाज के ऊपर टिप्पणी करने पर आज प्रदेश उपाध्यक्ष ने मांगी माफी। बता दें कि विगत दिनों हुए भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश उपाध्यक्ष ने जैन समुदाय के ऊपर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर आज उन्होंने खेद व्यक्त किया। हालांकि उन्होंने यहां पर माफी नहीं मांगी। वहीं जब उनसे पूछा गया कि जैन समाज ने इसको लेकर रोष व्यक्त किया गया है, साथ ही ज्ञापन दिया, उसके बाद आपने माफी मांगी, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। बता दें कि उनके इस कथन के बाद जैन समाज में काफी रोष था, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश उपाध्यक्ष का ये कहना कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कहां तक जायज है। नहीं बना साहब, मेरे से अभी तक नहीं किसी ने कहा कि क्षमा मांगो। मैं तो सिर्फ आपसे सहज में ये लिखा कि किसी को दुख हुआ है, किसी की भावना आत हुई है, तो मैं भी चूंकि मैंने क्षमा वाणी का पर्व उनसे ही सीखा है, तो मैं भी आपसे वही व्यक्त करने। जैन समाज ने भी नाराजगी व्यक्त करी थी और सिंधिया जी ने भी कहा है कि भाजपा इसके लिए माफी मांगे। उनकी मुझे चिंता नहीं है, सांसद ने ट्वीट किया इसलिए मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है। मैं बता तो रहा हूँ तो फिर ऐसा क्या दबाव रहा? मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ऐसा क्या दबाव रहा? कोई दबाव नहीं है, दबाव काहे का? तो फिर आप पहले भी क्षमा मांग सकते थे ट्वीट आने के पहले। नहीं, ट्वीट आने के पहले जब मेरी बात ही नहीं होती, ट्वीट तो उन्हें हार कर दिया होगा। मेरी तो कोई बात थोड़ी होती उस समय। तो मेरे पास जब मेरे कार्यकर्ताओं के फोन गए, मैंने सुबह अखबार पढ़ा ईमानदारी से, उस समय मुझे पता पड़ा कि भास्कर में ऐसा कुछ छपा है। और जिन्हें
ऐसी बातें थी आपने कही थी, और वहाँ से आपने पहले मीडिया को वहाँ से निकाल भी दिया था उस जगह से। कुछ बंदियों ने ये प्रचारित करने का प्रयास किया कि मेरे उद्बोधन से जैन समाज नाराज है, लेकिन मेरी बड़ी जड़ मान्यता है कि जैन समाज मुझसे नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि जैन दर्शन क्षमा और अहिंसा पर टिका हुआ दर्शन है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि वो नाराज नहीं हो सकते। डीजियाना में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।